न्यूज 24 के सभी दर्शकों को नमस्कार। ये अयोध्या जिले की पश्चिमी रेलवे क्रॉसिंग है और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि गोसाईगंज रेलवे क्रॉसिंग पर कैसे जाम लगता है और इस जाम में फंसकर बूढ़े बच्चे बुजुर्ग कैसे घंटों पीसते रहते हैं। और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से दो होमगार्ड की वैसे तैनाती की जाती है, सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर दो होमगार्ड तैनात रहते हैं, लेकिन वो जाम हटवाने में असमर्थ दिखाई देते हैं क्योंकि दोनों क्रॉसिंगों पर जाम लगा रहता है। गोसाईगंज की ऐसी दो रेलवे क्रॉसिंग हैं जिनके द्वारा समूचा नगर जाम की चपेट में रहता है। यहाँ पर जाम का इतना दबाव है कि कभी कभी ट्रेन जाने के बाद भी पूरे वाहन निकल जाते हैं और दोबारा क्रॉसिंग बंद हो जाती है। बढ़ती जनसंख्या और वाहनों के दबाव से जाम की समस्या होना लाजमी है, लेकिन समस्या के निराकरण के लिए जिम्मेदारों का नज़रअंदाज रवैया समस्या को और बढ़ा देता है। पहले तो यहाँ सुबह शाम जाम लगता था, लेकिन धीरे धीरे स्थिति विकराल होने लगी। जाम हटवाने के लिए पश्चिमी रेलवे क्रॉसिंग पर दो होमगार्ड की तैनाती की गई है, वहाँ पर पहरा रहता है, लेकिन इनकी कोई सुनता ही कहाँ है। नतीजा है कि दोनों होमगार्ड या तो मूक दर्शक बने रहते हैं या तो पास के चाय की दुकानों में घुसकर गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी का आनंद लेते हैं। गोसाईगंज रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार के शुरुआती दौर में बताया गया था कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज व अंडरपास बनेगा। ओवरब्रिज बनने से यहाँ की जाम की समस्या का पूरा निराकरण होने की एक बार आस जगी थी। रेलवे स्टेशन रेल पटरियों और प्लेटफार्म का कार्य लगभग पूरा होने को है। विद्युत चलित ट्रेनों का आवागमन भी काफ़ी समय पहले ही चालू हो गया है, लेकिन अभी तक ओवरब्रिज और अंडरपास का कहीं आता पता नहीं है। खास बात यह है कि मौजूदा समय में यहाँ पर कोई जुझारू नेता भी नहीं ऐसा है कि जो समस्या को प्रमुखता से उठा सके। ये गोसाईगंज की पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग है। अभी यहाँ पर बस स्टॉप से लेकर आमसिंह मार्ग इतना ख़राब था कि यहाँ पर आकर वाहन फंस जाते थे और घंटों फंसे रहते थे। यहाँ पर वैसे सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं है, ना तो यहाँ पर सिपाही की तैनाती की जाती है, ना तो यहाँ पर होमगार्ड की तैनाती की जाती है, ना ही यहाँ पर किसी दारोगा की तैनाती की जाती है। तैनाती केवल पश्चिमी रेलवे क्रॉसिंग पर ही की जाती है, लेकिन जब पश्चिमी क्रॉसिंग पर जाम लग जाता है तो पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग भी जाम की चपेट में आ जाती है। यहाँ तक कि लोगों को जब जाना रहता है तो गांव की पगडंडियों से होते हुए किसी तरह अपना गंतव्य को पूरा करते हैं, अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं। यहाँ पर भी जाम की समस्या विकराल रहती है, जाम यहाँ भी लगता है। काफ़ी प्रयास के बाद इस सड़क को बनवाया गया, सड़क बन गई। जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद काफ़ी प्रयास किया गया तो सड़क बन गई। अब हालांकि यहाँ पर जाम की समस्या थोड़ा कम हुई है, लेकिन यहाँ पर भी प्रशासन को सुरक्षा कर्मी की तैनाती किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बताया गया था कि यहाँ पर अंडरपास बनेगा, पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग है, और पश्चिमी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनने से जाम की समस्या पर निजात मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर अंडरपास और ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए और भविष्य में किया भी जाना चाहिए, क्योंकि यदि गोसाईगंज में जाम की समस्या से निजात पाना है तो दोनों क्रॉसिंग पर अंडरपास या ओवरब्रिज का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है।